Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as we discussed in our previous video, or we can say part 1 of chapter number 2 of political science class 12, that how elections were conducted in India, pehli bar elections kaise hue, election commission ko humne kaise form kiya tha, how we established democracy in our country, this is what we discussed. After this we discussed about the consequences of the elections in India. जो इलेक्शंस हमारे इंडिया में हुए थे उनके कंसिक्वेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट और वी कैन से इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री इसने बदल कर रख दी थी. दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस. फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन बेसिकली हियर वी विल डिस्कस अबाउट 1952 to 1967, राइट. ये 15 साल का जो टाइम स्पेन है हम इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था हमारी कंट्री में और किस तरह से हमने लीड किया अपनी कंट्री को पहले 15 साल में. अब ये 15 साल की कहानी क्या है, या हम पहले थ्री जनरल इलेक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है कि कांग्रेस वॉज देयर. एंड कांग्रेस थी तो ऑब्वियस है कि इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमारी देश की आज़ादी के बाद पहली लोकसभा में आने के रीज़न कि जो कांग्रेस है वो जीत कर क्यों आई है और उसके कंसिक्वेंसेस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. तो अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे जो 1952 में हुए थे, हमने कल ही उनके बारे में बात की है अपनी प्रीवियस वीडियो में. तो 1952 के जो जनरल इलेक्शन थे इनका जो रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस वॉज द लीडिंग पार्टी, या फिर हम कह सकते हैं कांग्रेस वॉज द पार्टी हु विंस एज इट वॉज एक्सपेक्टेड. क्लियर, ये एक्सपेक्टेड था ही. क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है उनके रिजल्ट, और हमें पता है कि नेशनल कांग्रेस ही जीत कर आने वाली है. उस टाइम का जो उस टाइम पे जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड चल रही थी या देश में जो चल रही थी, राइट. तो उसी वजह से हमें ये तो पता था कि कांग्रेस आने वाली है. अब कांग्रेस के फैक्टर क्या थे आने के, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी मैंने आपको बोला ना कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी, तो वो सिचुएशन क्या थी. तो सबसे पहले हम कांग्रेस को ही समझ लेते हैं कि ये कांग्रेस बेसिकली कैसे जनरल इलेक्शंस में लीडिंग में थी, लीडिंग रोल में थी, राइट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है इसका पहला फैक्टर है कि इट वॉज़ पॉपुलरली नोन. पॉपुलर थी आसपास के एरिया में, राइट, और रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस पार्टी ने अपना होल्ड बनाया हुआ था. होल्ड बनाने के कारण क्या थे? होल्ड बनाने के कारण थे लिगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट. कि नेशनल मूवमेंट में हमने देखा कि इसको विरासत में मिली है पॉपुलैरिटी, क्योंकि हमें पता है कि नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी तो वहाँ पर जो लीडिंग पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रही है तो बट ऑब्वियस कि यहाँ पर हमें विरासत में उसकी पॉपुलैरिटी मिलेगी, राइट. अब पॉपुलैरिटी मिलेगी तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये होगा. क्यों पॉपुलैरिटी मिलेगी उसके रीजंस भी हमें जानने होंगे. पॉपुलैरिटी मिलने का कारण है कि इट वाज वन पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर दी कंट्री. कि ये पूरे कंट्री में फैली हुई थी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट चली है ना, देश से रिलेटेड मूवमेंट चली है, तो इसीलिए ये पूरे देश में फैली हुई थी. लोग इससे वेरी वेल एक्वेंटेड थे कि इस तरह की कोई पार्टी है और वो पार्टी को अभी हमें वोट देना है, या जनरल इलेक्शन हो रही हैं उसमें पार्टी अपने आप को नॉमिनेट कर रही है. तो ये सब चीज़ें, मतलब पीपल वर अवेयर अबाउट दिस पार्टी, दिस पर्टिकुलर पार्टी. और इसके बाद हमें ये भी पता है कि पार्टी के पॉपुलर फेस भी थे. इस पार्टी में काफ़ी सारे पॉपुलर फेस थे जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत वाइटल रोल, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं. जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, सी राजगोपालाचार्य वॉज देयर, वल्लभ भाई पटेल वॉज देयर, राइट. तो इस तरह के प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी में थे उस टाइम पर, और वो अब इलेक्शंस में अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, या देवर कंडक्टिंग द इलेक्शन. सो दैट इज़ वाई. अब ये सब लोग जो थे, मोर ओवर अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज करिज्मेटिक एंड अ वेरी पॉपुलर लीडर. जवाहरलाल नेहरू का जो ऑरा था, जो उनकी पहचान थी, वो सबसे अलग थी, या हम कह सकते हैं उनकी पर्सनालिटी अलग थी. सो दैट इज़ वाई पीपल वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद दिस पर्सन. दे कैन ईजिली रिकोगनाइज दैट दिस इज़ द पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ से हमें जवाहरलाल नेहरू को चूज़ करना है. मीन्स ही वॉज अ कैरिज्मेटिक लीडर, राइट, इन इंडियन पॉलिटिक्स.
इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी करिज्मेटिक है और पॉपुलर भी हैं। तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से हम ये देखते हैं जब इन लोगों ने कैंपेनिंग की या टूर किया थ्रू आउट दी कंट्री, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल टास्क इनके लिए नहीं था वोट बैंक बनाना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि अभी मैंने आपको जो रीजंस बताए उनकी वजह से पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। एंड देन फाइनल रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, तो एज इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट डिडंट सरप्राइज्ड एनीवन कि जो कांग्रेस है वो थ्रू आउट कंट्री कांग्रेस की सरकार बनती है, ठीक है। और पार्टी को कितनी वोट मिलती हैं एट दैट टाइम? लोकसभा की जो टोटल सीट थी वो थी 489, 489 में से हमें वहाँ पर सीट मिलती हैं 364। ये 364 सीट्स मिल जाती हैं। जो बची हुई सीट है ऑब्वियस है कि वो दूसरी पार्टीज़ की हैं। दूसरी पार्टीज़ क्यों नहीं इलेक्शन में आगे आ पाई, उसके भी कुछ रीजंस है, जस्ट अपोजिट टू दीज रीजंस। ये जो रीजंस आए हैं इनसे जस्ट अपोजिट है। अपोजिट रीजंस में क्या आएगा कि पहली बात तो है कि जो पार्टियाँ अभी बन रही हैं कांग्रेस के डोमिनेंस का कारण अगर हम समझें, तो कांग्रेस की पहचान पहले से है, इंडिपेंडेंस के पहले से है, लेकिन कांग्रेस के अलावा जो पार्टी हैं अभी वो बन रही हैं, अभी वो इनिशियल स्टेज पर हैं, जबकि जो कांग्रेस है हमारी वो इनिशियल स्टेज से काफ़ी आगे निकल चुकी है, वो ऑर्गेनाइज कर चुकी है अपने आप को, पूरी कंट्री में फैला चुकी है। लेकिन जो बची हुई पार्टी हैं वो अभी अपना सिर्फ प्रचार ही कर रही हैं और वो लोगों को यही बता रही हैं कि हमारे पास भी एक पार्टी है, राइट। तो लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज देयर, लैक ऑफ पॉपुलैरिटी के चलते जो कांग्रेस है वो डोमिनेट करती है और अदर पार्टीज जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। आफ्टर दिस अगर हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट। अगर कांग्रेस के बाद पहले नंबर पर आपकी है कांग्रेस, राइट, और कांग्रेस की सीट है 364 आउट ऑफ 489। इसके बाद जो सेकंड पार्टी बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है CPI, जिसकी 16 सीट है लोकसभा में, राइट। तो लोकसभा में ये 16 सीट लेकर आई है। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 1952 में पूरे भारत में इलेक्शंस हो रहे थे, पैरेलल इलेक्शंस वर गोइंग ऑन लोकसभा और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे थे 1952 में। कांग्रेस बहुत बड़ी विक्ट्री स्कोर करती है, इट वोन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में ये मेजॉरिटी विन करती है एक्सेप्ट एक स्टेट जो कि त्रिवेणकोर या कोचीन, जिसको हम आज का केरला, पार्ट ऑफ टुडेज केरला को हम उस टाइम पर त्रिवेणकोर बोलते थे, सिर्फ वहाँ पर कांग्रेस नहीं आती है, अदरवाइज पूरे भारत में हमारे पास कांग्रेस होती है, राइट। मद्रास और उड़ीसा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ पर कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ नहीं आ रही है। फाइनली इन स्टेट्स में भी कांग्रेस अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेती है, मतलब अपनी पार्टी को फॉर्म कर लेगी, फाइनली फॉर्म कर ही लेगी, राइट। तो फॉर्म कर लेती है त्रिवेणकोर में भी, मद्रास में और उड़ीसा में। आफ्टर दिस सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। अब सिंपल सी चीज़ है कि पूरे के पूरे भारत में अब सिर्फ और सिर्फ हमें कांग्रेस दिख रही है। ये है पहले जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड था ही, हमें पता था कि PM कौन बनने वाला है, PM फेस वॉज वेरी क्लियर टू अस कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू बी जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू वी कैन से, कि JL नेहरू जो हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे बनेंगे। इट वॉज़ वेरी क्लियर टू everyone, हर किसी को पता था, राइट। अगर हम इलेक्टोरल मैप की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि डोमिनेंस की हमें एक सेंस आती है कि डोमिनेंस वॉज देयर, राइट। तो पहले जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जनरल इलेक्शन में पूरे भारत में आपको कांग्रेस का डोमिनेंस मिलता है, राइट। पूरा भारत आपका कांग्रेस से भरा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड 1952 to 62, राइट, 52 से 62 तक हमारे पास पूरी कांग्रेस की डोमिनेंस रहती है। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि हमारे, अब देखो 5 साल की लोकसभा होती है, हमें पता है कि लोकसभा का टेन्योर होता है 5 years का। पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, तो दूसरे कब होंगे, +5 कर दो 1957 में, तीसरे कब होंगे, +5 करो 1962 में, राइट। तो ये जनरल इलेक्शंस, ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये सेकंड जनरल इलेक्शन और ये आपका थर्ड जनरल इलेक्शन, ये है टाइम पीरियड जनरल इलेक्शंस का।
कांग्रेस सेम पोजीशन को मेंटेन करती है लोकसभा में, जहां पर वो 3/4 सीट लेकर आती है। मतलब हमारी जो टोटल सीट है देवर 489 इन नंबर है, इनमें से 1/4 जो सीट हैं, सॉरी 3/4 जो सीट है वो आपकी कांग्रेस जीत कर लाती है ऑलमोस्ट, राइट। और कोई भी ओपोजिशन पार्टी जो है कुड इवन विन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ द सीट्स। अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है ओपोजिशन में जो कि कांग्रेस के 1/10 सीट भी जीत पाई हो, क्लियर। तो इस वजह से हमें क्या दिख रहा है कि क्लियर मेजॉरिटी वॉज देयर। कांग्रेस कहीं कहीं पर मेजॉरिटी में नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जैसे केरला में, अगेन 1952 की तरह 1957 में भी केरला में इशू आता है और केरला में कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं है, राइट। लेकिन व्हेन अ कॉलिजन लेड बाय सीपीआई फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, अब ऑब्वियस है कि कांग्रेस नहीं तो कौन है, तो सीपीआई वॉज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज देयर इन केरला। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पावर में रहेगी एंड कंट्रोल्ड द नेशनल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो कांग्रेस है वो अब सिर्फ केरला को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर है जैसे केरला को छोड़कर कांग्रेस कंट्रोल कर रही है पूरे के पूरे इंडिया को प्लस सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, द एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आर इलेक्टोरल सिस्टम। कांग्रेस वॉन 3 out of every 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो कांग्रेस है ना वो सीट तो बहुत सारी लेकर आई है लेकिन वो 50% वोट भी अपने साथ नहीं लेकर आई है। कांग्रेस के पास जो जनरल इलेक्शंस में सीट्स आई हैं वो 45% ही हैं, राइट। तो 40 क्योंकि हमारी कंट्री में 50% प्लस 1 का प्रोविज़न नहीं होता है किसी भी MP MLA के लिए, उनको सिर्फ मेजॉरिटी लानी होती है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मस्ट बी देयर इन देयर फेवर। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 50% का हमारे पास वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर MP या MLA की 50% वोट आनी चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 45% ऑफ टोटल वोट्स उसको मिलते हैं कांग्रेस को, लेकिन ये समहाउ मैनेज कर लेती है 74% ऑफ सीट्स लाने में, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 सीट ये ले आती है। आफ्टर दिस द सोशलिस्ट और 74% किसका, 74% ऑफ 489, क्योंकि 489 हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी है एक और लार्जेस्ट पार्टी है इन टर्म्स ऑफ वोट, वो सिक्योर करती है मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में 10% से ज़्यादा वोट लेकर आती है। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स। अगर हम परसेंटेज वाइज, सीट की परसेंटेज वाइज बात करें तो 3% भी सीट इसके हिस्से में नहीं आ रही है। अब ये सब कैसे होता है, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में इट इज़ रिटन देयर कि 50% प्लस 1 लाना ज़रूरी नहीं है। द बेसिक रूल इज़ मेजॉरिटी ऑलवेज विन्स। सपोज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 मेंबर हैं जो कि अपने आप को, 2 उम्मीदवार हैं जो कि आपको बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में वोट दो, आप वोट देकर आते हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होगी वही जीत जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जिसकी वोट ज़्यादा है प्लस इसके पास 50% से ज़्यादा वोट होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ मेजॉरिटी आपको लाने की ज़रूरत है, सरकार बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50% प्लस 1 होनी चाहिए, राइट। तो वहाँ पर 50% प्लस 1 का फॉर्मूला जाता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि पार्टी दैट गेट्स मोर सीट्स देन अदर्स टेंड टू गेट मच मोर देन, ऑब्वियस है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑलवेज विन्स, सिंपल सा लॉजिक कि मेजॉरिटी ऑलवेज विन्स, राइट। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपन्ड एंड यही चीज़ जो है वो कांग्रेस के फेवर में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी बन जाती है, लीडिंग पार्टी बन जाती है। अगर हम वोट को देखें नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स की, तो कहीं ना कहीं वो शायद कांग्रेस की वोट से ज़्यादा थी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बेसिस पर, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिता देता है। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड। अब देखो जो नॉन कांग्रेस वोट है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है, कहाँ पर डिवाइड हो रही है, जो राइवल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। सो द कांग्रेस वॉज स्टिल वे अहेड ऑफ द ओपोजिशन एंड मैनेज्ड टू विन। तो कांग्रेस इस तरीके से जीतती है, क्लियर। तो कांग्रेस के काफ़ी सारे रीजन हैं जीतने के।
अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हमने ये देखा कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी पुरानी पार्टी है। काफ़ी पुरानी पार्टी होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उनके जो लेगेसी है नेशनल मूवमेंट की, वो इनको हेल्प कर रही है, इनको एड कर रही है पहले 3 जनरल इलेक्शन में आने के लिए। प्लस यहाँ पर इनके पास कुछ पॉपुलर फेसेस हैं, और वो पॉपुलर फेस कौन है? वो पॉपुलर फेस जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, ही वॉज अ करिज्मेटिक लीडर एंड वेरी पॉपुलर एज वेल। उसके अलावा सी राजगोपालाचार्य वॉज देयर, पार्ट ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज देयर, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दैट इज़ वाई दीज वर दी फैक्टर्स, कि इन फैक्टर्स की वजह से जो कांग्रेस है वो इलेक्शंस में जीतती है। क्लियर? एंड पीएम फेस हमें पहले से ही क्लियर है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ही विल बी द और ही इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट वॉज वेरी क्लियर एट दैट टाइम, ये बिल्कुल क्लियर था। केरला जैसे स्टेट के अलावा हर जगह पर कांग्रेस का डोमिनेंस था। हमने ये भी देखा कि पूरे के पूरे एरिया में या पूरे इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेंस जो है, और पूरे देश में प्लस स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं 1952 में। एक साथ होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के भी और नेशनल लेजिस्लेचर के भी। बीच में कुछ सरकारें जो हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस में, या हम कह सकते हैं मिड टर्म में फॉल हो गई थी, दे फॉल डाउन इन मिड टर्म इलेक्शंस। सो दैट इज़ वाई इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि बीच में हमने देखा कि जो सरकार है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस आ जाता है ना, कि हमारे इलेक्शन कभी एक बार लोकसभा के होंगे, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर जो इलेक्शन होते हैं, वो मिड टर्म गवर्नमेंट्स की वजह से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर की वजह से ऐसा होता है। क्लियर? तो अदरवाइज़ हमने शुरू तो यही किया था, और अभी भी स्टिल वी आर कंसिडरिंग दिस, कि हम चाहते हैं या हम कह सकते हैं कि देयर इज़ डिस्कशन गोइंग ऑन दिस, कि फिर से जो इलेक्शंस हैं उनको पैरेलली कराया जाए, सो दैट हम टाइम को प्लस अपनी इकोनॉमी को बचा सकें। राइट? तो दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन आर कंट्री। अभी हम इस पर सोच विचार, मतलब इस पर अभी चल रहा है हर चीज़, डिसीजन इज अबाउट टू टेकन ऑन दिस मैटर। क्लियर? तो अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में 1957 में हमारे पास कांग्रेस के अलावा सीपीआई पार्टी आ जाती है। कांग्रेस को यहाँ पर कह सकते हैं कि हार झेलनी पड़ी थी, और जो इलेक्शंस कांग्रेस के हुए थे मार्च 1957 में, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर आई थी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो केरला लेजिस्लेचर में थी। पार्टी के पास 60 सीट थी आउट ऑफ 126 एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स। जो सीपीआई पार्टी है वो कॉलिजन में आती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 126 सीट हैं टोटल, तो 126 का हाफ आपका कितना होगा? 63, राइट? तो 63 प्लस 1, क्योंकि हाफ हो गया ना, तो 63 प्लस 1, 64 सीट इनको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। तो सीपीआई के पास खुद की जो सीट थी वो 60 थी, और उनको 4 और कहीं से समर्थन चाहिए था। तो 4 जो मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनके साथ आ गए थे इनके सपोर्ट में। तो 64 की जो मैजिकल फिगर है इसको इन्होंने क्रॉस कर लिया था। उसके बाद सीपीआई जो है वो केरला में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है विद दिस कॉलिजन गवर्नमेंट या अलायंस के साथ, एक साथ आकर कॉलिजन के साथ आकर। कॉलिजन में होता है व्हेन मल्टीपल पार्टीज केम टुगेदर एंड दे tried to or they rule over that area, right? तो वो जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं वो कॉलिजन कर लेती हैं, एक साथ आ जाती हैं, एक साथ आकर गठबंधन की सरकार बना देती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार भी जिसको हम बोलते हैं। और जो समर्थन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड और सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर और वी कैन से इन सम अदर टॉपिक, जहाँ पर रिलेटेबल टॉपिक होगा वहाँ पर डिटेल में इस सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड और सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केरला में जो सीपीआई है वो 60 प्लस 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ अपनी सरकार बनाती है। उसके बाद जो गवर्नर हैं वो इन्वाइट करते हैं ईएमएस जो लीडर हैं इनके कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी के, उनको इन्वाइट करती हैं अपनी मिनिस्ट्री के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए। एंड इट वॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आई है, हैड कम टू द पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, कि किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की हेल्प से कोई कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है, या हम कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी बनी है। ये पहली बार हो रहा था विश्व में।
अब यहाँ पर क्या होता है, जब कांग्रेस पार्टी स्टेट में अपनी सरकार को खो देती है तो पार्टी जो है वो शुरू करती है एक लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रगल या प्रोटेस्ट हम कह सकते हैं उसको शुरू करती है। एंड CPI हैड कम टू पावर इन द प्रोमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल्स एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मीजर्स। अब कांग्रेस ऑब्वियस है कि अगर CPI मूवमेंट आई है उस टाइम पर तो वो किसी ना किसी रीज़न के वजह से आई होगी, किसी ना किसी प्रॉमिस के कारण आई होगी। तो वो प्रॉमिस क्या था, वो प्रॉमिस था कि CPI ने कुछ प्रॉमिस किए थे कि हम रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे प्लस प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे, उस एरिया में जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी हैं, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी हैं, हम उनको साथ लेकर आएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्लेम करती है दैट द एजिटेशन वॉज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ये क्लेम करती है कि जो एजिटेशन हो रहा है ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए है और लोग इसको धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे है। 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में डिसमिस कर देती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला को अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल आपका 356 है, 356 में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो स्टेट मशीनरी है वो फेल हो जाती है, और स्टेट मशीनरी जब फेल होगी तो वहाँ पर लग जाएगा आपका प्रेसिडेंशियल रूल, राइट। तो प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पर लगा देती है 1959 में, और उसके बाद केरला से कम्युनिस्ट पार्टी हट जाती है, और कम्युनिस्ट पार्टी हटने के बाद यहाँ पर जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई करेगी। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो मुद्दा था ना, इस मुद्दे के ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हुई। ये बोला गया कि जो डिसीज़न है ये कंट्रोवर्शियल है, ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इमरजेंसी पावर दे रखी हैं कि अगर हमारे एरिया में, हमारे देश में किसी तरह का कोई आपातकाल आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उस केस में हम प्रेसिडेंट के थ्रू इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि एक होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, राइट, नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो यहाँ पर इन्होंने लगाई स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में बेसिकली ये है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो काम करने में समर्थ नहीं है, या कोई भी रीज़न दे सकते हैं, कोई भी रीज़न ऐसे बोगस तो नहीं, कोई भी रीज़न का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है स्टेट में और सरकार के बस के बाहर है अब काम करना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपातकाल लगा देंगे या इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे, और जब हम इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल था, ये कहा गया कि कांग्रेस ने CPI को हटाने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी का या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज़ किया, क्लियर। तो दैट वॉज देयर फॉर टुडे। आज हमने बात की अपने पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के डोमिनेंस की, कि कांग्रेस क्यों आई, क्या रीजंस थे कांग्रेस के आने के पहले इलेक्शन में, राइट। उसके अलावा जो ओपोजिशन पार्टी है वो क्यों नहीं आ रही थी, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो विक्ट्री आई है केरला की, या केरला जैसे जीता है, उसके बारे में हमने बात की। जो कम्युनिस्ट पार्टी आई है केरला में और उसको कैसे रिमूव किया गया, उसके बारे में हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया। In the next video, we are going to discuss about different parties like Socialist Party. Then we will be discussing about the Communist Party of India. कि Communist Party है क्या, उसकी formation कब हुई, founder कौन थे, वो सब चीज़ें। भारतीय जनसंघ we are going to discuss about. And then Swatantra Party we are going to discuss about. Clear? So these things we are going to discuss in detail. And apart from this, several topics also we are going to discuss, like tolerance and management of factions. And then Congress as social and ideological collision. This is we will be discussing in the upcoming video. So thank you so much for watching the video. Stay tuned.